संभालो बहू को, यही वक्त है। और मर्द को तकलीफ तब होती है जब उसकी बीवी और बच्चे पे संकट आ जाता है। यहां तो दोनों पे संकट आ गया है, और वो मर्द मजबूत तब होता है जब दोनों को संभाल लेता है। जब अटल को पता चलेगा कि उसकी बहनें भूखी प्यासी थी, तो क्या अटल मुझे माफ करेगा? कभी नहीं ना। तुम मेरी बात मानो बेटा, घर जाओ अपने माता पिता के साथ, खाना खाओ, सो जाओ, और कल सुबह अटल को छुड़ाने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक काम करना, कागज और पेंसिल लेकर आ जाना हमारे पीछे। अटल को ढूंढना होगा, भावनाओं में बहकर, जोश में आकर नहीं, भावनाओं को रणनीति की जोड़ देनी होगी। अब अलग से रणनीति रचनी होगी। अब ये देखिए, हम तो फ्रेश हो गए। तुम तो फ्रेश हो गई, लेकिन हमारे रोमांस का प्लेन अब क्रैश कर गया। अरे काहे? काहे का क्या मतलब है? इंसान का मूड बदलने में टाइम लगता है क्या? तुम्हारा भी तो मूड बदल गया था ना, वैसे हमारा भी मूड बदल गया। अब हमें नींद आ रही है, प्लीज हम सोने दो। चलो हाँ, सो जाइए आप। अब हमेशा ही ऐसा करते हैं, जब भी हमारा मूड बनता है ना, तब आपका मूड खराब हो जाता है, और जब हमारा मूड बनता है तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। कछू भी, हमारा मूड तो हमेशा ही बना रहता है, आप टिका ना ही रहता है। लेकिन अब हमारा मूड नहीं है तो हमारा भी मूड नहीं है। गेट लॉस्ट, वो लॉस्ट होता है। हम सही पकड़े ना ही बोलेंगे। बेचारी अम्मा जी बहुत परेशान हैं। आजकल ससुर जी जो है ना, उनके साथ बहुत घरेलू हिंसा कर रहे हैं। सॉरी भाभी जान, रियली सॉरी। आपकी जो अम्मा जी हैं वो बहुत ही गुस्सैल किस्म की हैं, सारी हिंसा वही करती होंगी। पंडित रामफल बेचारे, वो क्या हिंसा करेंगे? इज गुड फॉर नथिंग नाउ। नहीं नहीं, हम पंडित जी का बात नहीं कर रहे हैं, हम जुम्मन लाल जी का बात कर रहे हैं। ओह आई सी, देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल। घरेलू हिंसा के बारे में आपका क्या कहना है? Oh no, never, never, भाभी जी, मुझे घरेलू हिंसा से नफरत है, और जो घरेलू हिंसा करते हैं मैं उनको जेल में डाल देना चाहता हूँ। You know that? How much I hate them? क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाभी जी, भाई तो जो घरेलू हिंसा करता है वो इंसान नहीं होता भाभी जी, वो तो जानवर होता है। अमित बोलिए कि आपको घरेलू हिंसा बिल्कुल पसंद ना आई है, आप उसके खिलाफ हैं। मैं घरेलू हिंसा के खिलाफ हूँ, और मैं घरेलू हिंसा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ूंगा। आई हेट डोमेस्टिक वायलेंस। मैडम आप कहाँ रहती हो, जरा पता तो बताइए ना। क्या करेंगे हुजूर, पता जानकर पिटने का इरादा है क्या? अरे पता ही तो पूछ रहा हूँ, कोई कीमती चीज थोड़ी ना मांग रहा हूँ। ऐसा है हुजूर कि मेरे पड़ोस के जो लड़के हैं ना, वो मुझे लेकर बहुत पजेसिव हैं। अगर उनको पता चल जाता है ना कि कोई बाहर वाला मेरा पता पूछ रहा है, तो मेरे पड़ोस के लौंडे उस बाहर वाले की मंडी में घुसकर उसके हीरे फोड़ देते हैं। कब से मूड बना के बैठे थे? सुनो, अच्छा मूड है, माओ फायदा उठा लो। ठीक है, भगवान जाने ऐसे मूड बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनने तो मैं सोचो जब ऐसे मूड नहीं बने तो अच्छे, जो मूड की लंका लगनी है तो जैसे बढ़िया ना बने। सुनो सुनो, हम का क्या
अब आराम से लगू हमें हल्को हल्को कायदे से देखो जाए ना। मूड बर्बाद करू नहीं चाहिए है ना। हमें कछु बताना है तुम सबको। अरे अरे कछु बताने की जरूरत ना है, हम समझ गए जी ना कि चुनाव लड़ने को आइडिया बेकार है। तो अरे ऐसी गलतियां सबसे है जाती हैं। नहीं नहीं अम्मा, हम तो यही बताना चाह रहे हैं कि हमने जो क्लब के प्रेसिडेंट को चुनाव हुआ है ना, जमी खड़ा होने को फैसला लगा है। बंद कर पीटना। तू बिन पेंदी को लोटा है। कल तो तू चुनाव को इतनी गालियां दे रहे हो तो कि बेकार हो तो है, आज का होगा वो? बीच में एक रात गुजर गई का? हाँ माऊ मतलब जो है कि बस बस चुप है जा, हम समझ गए तेरो मतलब। जोरू को गुलाम हमें एक बार बस आप वो प्रेसिडेंट बन जाओ क्लब की, फिर तो स्कूल में मेरा नाम ही नाम होगा। हाँ और फ्रेंड्स में दबदबा भी बढ़ेगा। और बेटा तेरे पापा मतलब हम भी तो फकर से कहेंगे कि हमारी बीबी क्लब की सरगना निकली ना। बेटे क्लब कोई डाकुओं का गिरोह है कि सरगना बनेगी? मनवर तू ये करो ठंडो ले आ, इतने दिन बाद दोस्त आओ ठंडो पियेंगे। अरे नहीं 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 सुनो, शाम को तीनों दोस्त मिलते हैं और बैठ के पीते हैं। चौथे की गुंजाइश है।